टाइम ज्यादा लगने वाला है क्योंकि जितनी भी हमारी जर्नी है ना आज वो तिलवाड़ा तक सिंगल रोड है बिल्कुल। अच्छा आने जाने का 1200 रुपए। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, नेचर के बीच में से जंगल से होता हुआ लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ये 5वां धाम बनेगा। अगर गाड़ी एक कार भी छोटी गाड़ी भी आ जाए सामने से तो पास देने में दिक्कत हो। हम जा रहे केदारनाथ। केदारनाथ चढ़ लोगे? केदारनाथ ज्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ। पिछले हम लोग 2.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों, आज हमारा 4 धाम यात्रा 2023 का Day 4 है और इस टाइम हम लोग हैं उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो सबसे लंबी जर्नी आज की होगी हमारी, क्योंकि उत्तरकाशी से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है 202-220 किलोमीटर के करीब है। तो 11 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है। देखिए सुबह सुबह ट्रैफिक देखिए आप। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है उत्तरकाशी टू सोनप्रयाग। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे क्योंकि मौसम भी ख़राब है। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हमें रास्ते में गंगोत्री से लेके उत्तरकाशी तक, और इस टाइम भी बादल हैं। तो डिपेंड करेगा सारा वेदर के ऊपर कि हम लोग कितनी जर्नी कर पाएंगे। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको रास्ते में देता रहूँगा दोस्तों। रूम में सब रेडी हैं, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हैं। सर रेडी? वाह 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 बढ़िया, बस अब मैं ही रहा हूँ। परे क्या हाल है हमारे रूम नंबर 112 में, यहाँ मैं पूछ लेता हूँ। सब रेडी हैं सर? गुड मॉर्निंग। तो बस अब मैं ही बचा हूँ, अब मैं नहा लेता हूँ फटाफट, फिर चलते हैं। तो ये था हमारा होटल जहाँ हम ठहरे हुए थे, ये ऊपर वाला जहाँ मेरी फिंगर है, और ये है होटल आस्था। ये उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर आगे है और यहाँ हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया। बुलेरो हमारी रेडी है और हम लोग भी निकलने के लिए रेडी हैं, तो चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ट्रिप मीटर जीरो कर दिया उत्तरकाशी से लेके सोनप्रयाग तक या जहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, आज की हमारी जर्नी कितनी रहेगी। जय बोले शंकर महादेव, जय भोलेनाथ। निकल रहे हैं दोस्तों अब हम लोग, टाइम 7:10 है सुबह के। तो आज का डिस्टेंस हमारा वही 220 से 250 किलोमीटर के करीब है, पर टाइम ज्यादा लगने वाला है क्योंकि जितनी भी हमारी जर्नी है ना आज वो तिलवाड़ा तक सिंगल रोड है बिल्कुल, तो उसमें टाइम लगता है सिंगल रोड में। चलो मौसम अभी हल्के हल्के बादल ही है और बस ट्रिप मीटर मैंने जीरो कर दिया था, तो ठंडा ठंडा मौसम है और भोलेनाथ का नाम लेते हैं। जय भोलेनाथ। सारे पीछे देखिए एडजस्ट हो गए, अब फिर से हमारी गाड़ी जो है वो फुल होगी। फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच गए हैं, मरभागी गांव है यहाँ, जहाँ से सेम मुखेम नागराजा मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो बस अब हम लोगों ने पीछे गाड़ी लगा दी है यहाँ से, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं उस मंदिर में ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल घने जंगल के बीच में बना हुआ ये मंदिर है दोस्तों, और अब हम लोग पहुँच गए हैं इसके एंट्री गेट पे। भैया क्या लेते हो घोड़े का ऊपर? घोड़े के लेते हैं 600-700 रुपए लेते हैं। 600-700 रुपए? अच्छा आने जाने का 1200 रुपए। तो गाइस यहाँ पे घोड़ों का आने जाने का अप डाउन का 1200 रुपए है और वन साइड 600 रुपए। भाई 3 मेंबर घोड़े पे बैठ गए हैं, 2 सर और 1 मेरी वाइफ, इनसे नहीं चला जा रहा है। और यहाँ मैडम है, ये मेरे साथ आ रहे हैं पैदल। बान के पेड़ पर बुरांश के फूल लगे हुए हैं
और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। नेचर के बीच में से जंगल से होता हुआ लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो मंदिर तक जाता है। और पूरा जो रास्ता है वो घने पेड़ों के बीच में से होके जाता है, इसलिए आपको छाया मिलती है पूरे रास्ते और ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है। तो गाइस पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ पे मंदिर में और मैडम वगैरह भी पहुंच गए। तो मैडम थकान हुई कुछ? थकान अब ऊपर आके दूर हो गई, यहाँ आके दूर हो गई है ना। मैडम आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। ज्यादा थकान तो नहीं हुई? ज्यादा नहीं हुई। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ 11:30 बजे पहुँच गए थे सेम नागराजा मंदिर में। यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई, हमारा यहाँ पर हवन भी हो गया है। और अब टाइम 12:15 बज गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब अपने केदारनाथ की आगे की जर्नी के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये तकरीबन 8,000 फीट की हाइट पे घने जंगलों के बीच में है ये मंदिर बना हुआ, और लगभग आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और इसको अब कह रहे हैं कि ये 5वां धाम बनेगा, और बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे अभी, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में यहाँ पर देखा है। बट क्या है दोस्तों, अभी रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको इस मंदिर के बारे में बहुत कम पता है। जितने भी लोग 4 धाम यात्रा पे आते हैं वो सब लोग जो है वो सीधे निकल जाते हैं गंगोत्री से टू वर्ड्स केदारनाथ की तरफ। और ये मंदिर जो है वो बीच रास्ते में आता है, आपको 24 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़ के इस मंदिर तक पहुँचना होता है। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस यात्रा पर आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करें। और यहाँ के जो लोगों की आस्था इस मंदिर में बहुत है, और बहुत सुंदर और अच्छा मंदिर है। अभी हम लोग सेम राजा मंदिर से निकले हैं, तो नीचे जैसे ही हमारा ट्रैक खत्म हुआ था हम लोग नीचे आ गए थे, और नीचे आकर हम लोगों ने वहाँ पे लंच किया। और लंच करने के बाद जैसे ही हम लोग चले बारिश शुरू हो गई, और बारिश भी ज़बरदस्त टाइप की है। बिल्कुल सिंगल रोड है ये, अगर गाड़ी एक कार भी छोटी गाड़ी भी आ जाए सामने से तो पास देने में दिक्कत होती है, और बिल्कुल ब्लाइंड कर्व्स हैं तो बड़े कॉन्शियसली ड्राइव करनी पड़ती है यहाँ पे। तो आप लोग भी जब भी आएँ ऐसी जगह, ऐसी टेरेन में, ऐसे एरिया में आप ड्राइव करें, तो अगर आप फुल्ली परफेक्ट हैं ड्राइव करने में तो ही गाड़ी लेके आएँ, अदरवाइज़ मैं एडवाइस करूँगा कि टैक्सी लेके आएँ आप, क्योंकि यहाँ लाइफ दूसरा चांस नहीं देगी। शाम के 5 बजे क्या हसीन नज़ारा है, और हम लोग हैं यहाँ पे पाइन्स के जंगल में, और यहाँ खूबसूरत सी जगह भाई ये ढाबा है, अच्छी लोकेशन पे है यार। अब स्नैक्स वगैरह लेते हैं। हाँ यस, क्या नाम है आपका? नवकार। नवकार आपका क्या है? भव्य। भव्य कृष्णा पटेल। अच्छा कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे केदारनाथ। केदारनाथ चढ़ लोगे? केदारनाथ हेलीकॉप्टर से? अरे वाह, बुकिंग होगी हेलीकॉप्टर की? हाँ। यार हमारी तो हुई नहीं है, हमने भी हेलीकॉप्टर से जाना है, तो हम चले आप लोगों के साथ? चल दीजिए। पक्का? और ये छुटकू राम क्या नाम है आपका? प्रियांग। आप भी केदारनाथ जाओगे? अरे वाह गुड गुड। चाय चुई पी ली आप लोगों ने? हाँ अभी खाना खाया। खाना खाया है, गुड। बाय कर दो फिर एक बार। बाय बाय। इस टाइम आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, टाइम हो गए हैं 9:15 और हम लोग गुप्त काशी से थोड़ा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ, तो हम लोग जाम में पिछले 1 घंटे से यहाँ रुके हुए हैं। देखिए गाइस कितना जाम है, पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए मैं आपको जाम की हालत दिखाता हूँ, ये है जाम की हालत, कितने किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है।
और ये पिछले हम लोग 2.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। तो ये हालत है गुप्तकाशी के पास हम लोग फंसे हुए हैं। रात के 1:42 हुए हैं और हम लोग पहुंचे हैं यहाँ गुप्तकाशी में। रात को 12:30 पहुंचे, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। तकरीबन हम लोग 4 घंटे जाम में ही रहे। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ हमने होटल ले लिया है, होटल मारुति इंपीरियल करके है। खाना आके अभी रात को 1 बजे खाया है और अब अपने रूम में आ गए हैं। तो आज बहुत थकान होगी, काफी हैटिक हो गया और आज की जो जर्नी रही वो 250 किलोमीटर के करीब रही। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।